Hi everyone, welcome to Cooking with Benazir. Assalamualaikum. आज हम शाही मटन कोरमा बनाएंगे. इसके लिए सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है. प्रेशर कुकर में हमने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है, गरम करने के लिए रखा है. उसमें हम 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 पीस दालचीनी के डालेंगे, 4 से 5 लौंग, 3 हरी इलायची. शाही मटन कोरमा खाने में टेस्टी होता है और ये बहुत ही रिच ग्रेवी है, इसीलिए इसे शाही कहा जाता है. हम इसमें 1 प्याज डालेंगे स्लाइस करके. मीडियम साइज का प्याज यूज़ किया है हमने. यहाँ हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, प्याज को बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होने देना है. हमें बस 2 मिनट इसी तरह चलाते हुए इसे सिर्फ नरम कर लेना है. प्याज नरम हो चुकी है, हम इसमें मटन डाल देंगे. हमने यहाँ पर 500 ग्राम मटन यूज़ किया है, अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया है. साथ में हम 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, 1 टेबलस्पून क्रश की हुई हरी मिर्चें, 5 से 6 हरी मिर्चियाँ लेकर हमने क्रश किया है, 1 टीस्पून भरकर नमक. फ्लेम को हमने हाई किया है, अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे चलाते हुए. 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से मटन को हमने फ्राई किया है चलाते हुए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. हम अब इसे प्रेशर कुक करेंगे, गला लेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून पानी, क्योंकि मटन का काफ़ी पानी छूटता है, इसीलिए पानी ज़्यादा ना डालें. प्रेशर कुकर का लिड हमने बंद कर दिया है. हम 1 विसल तक पकाएंगे हाई फ्लेम पर, बाद में 10 से 12 मिनट लो फ्लेम करके पकाएंगे, जब तक गोश्त टेंडर नहीं हो जाता. आपके प्रेशर कुकर और मटन के हिसाब से गोश्त के गलने तक आप इसे पकाएं. एक बोल में हम 10 से 12 काजू ले लेंगे, 10 से 12 बादाम. बादाम को कुछ देर गर्म पानी में भिगाने से उसका छिलका निकल जाता है आसानी से. 3 हरी इलायचियाँ, थोड़ी जावित्री, हमने ये 1/4 जावित्री यूज़ की है. खसखस 1 टीस्पून भरकर, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर दें. इन चीज़ों को हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालना है और मिक्सर में बिल्कुल इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है. आप चाहें तो पानी डालकर भी पीस सकते हैं और चाहें तो दूध डालकर भी पीस सकते हैं. आइए मटन को चेक कर लेते हैं. मटन बहुत अच्छी तरह गल गया है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है. मटन टेंडर हो चुका है, हम इसमें 1/2 कप भरकर दही डाल देंगे. दही को अच्छे से हमने बीट किया है और फ्लेम को हमने ऑन करके लो पर कर दिया है. अच्छी तरह से दही को पहले मिला लेंगे, फिर फ्लेम को हम हाई करेंगे. दही डालने के बाद हमने इसे कंटिन्यूस चलाया है. जब इस तरह से ये बॉईल होने लगेगा, हम फ्लेम को लो करेंगे और 8 से 10 मिनट इसी तरह पकने देंगे, ताकि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तमाम चीज़ें अच्छी तरह पक जाएं. तब तक हम इसके अगले स्टेप पर जाएंगे. एक पैन में हम 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे. आप चाहें तो मटन शाही कोरमा सिर्फ घी में बना सकते हैं. हमने घी और ऑयल दोनों यूज़ किया है. मटन को हमने थोड़े ऑयल में पकाया है और अभी हम थोड़ा घी डाल रहे हैं इसमें. आप बिल्कुल से ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. घी गर्म होने के बाद हम इसमें 1 तेज़पत्ता डाल देंगे. फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है, यहाँ हमें ध्यान रखना है फ्लेम लो हो. हम इसमें 1 टेबलस्पून से भी थोड़ी ज़्यादा कसूरी मेथी डाल देंगे. फ्लेम को लो करके चलाते हुए कसूरी मेथी को भूने बस 10 से 20 सेकंड, वरना ये जल भी सकती है. कसूरी मेथी को हमने बस 10 से 20 सेकंड भुना है चलाते हुए, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से. हम इसमें काजू बादाम और खसखस का जो पेस्ट बनाकर रखे हैं तैयार, वो डालेंगे. हमने इसमें खसखस यूज़ की है, जो अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप कर दें. बोल में हमने थोड़ा सा पानी भी डाला है, 1 टेबलस्पून, वो भी डाल देंगे. फ्लेम को हाई करेंगे और चलाते हुए भुनेंगे. इसे आपको छोड़कर हटना नहीं है, अगर आप फ्लेम को हाई कर रहे हैं तो इसे यहीं खड़े होके अच्छी तरह भुने, वरना ये नीचे जल्दी झटक जाता है. हमने बहुत अच्छी तरह 5 से 6 मिनट इसे कंटिन्यूस चलाते हुए भुना है, ये बहुत ज़रूरी है. काजू और बादाम में से कच्ची स्मेल को निकालना बहुत ज़रूरी है, पर इसे ध्यान से भुनना है, चलाते हुए भुनना है, छोड़ नहीं देना. हम आप मटन को चेक करते हैं. मटन को 8 से 10 मिनट हो गई है पकते हुए. माशाल्लाह अच्छी तरह से मटन भुना गया है, तेल ऊपर आ गया है और दही भी
पक गई हैं अच्छी तरह। बस ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है। हम इसे अब जो काजू की ग्रेवी हमने तैयार की है उस पर पोर कर देंगे। हमने आधे कप के करीब पानी भी डाला है प्रेशर कुकर में, इसे भी डाल देंगे। इस प्रेशर कुकर के बारे में बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट करके पूछा है, हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। फ्लेम को हाई करेंगे और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये ग्रेवी खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। हाँ, ये थोड़ी हैवी होती है और ये शाही है, इसीलिए इसका नाम शाही मटन कोरमा है। इसे आप तंदूरी नान के साथ खाएं, जिसका वीडियो भी हमने अपलोड किया है। तंदूरी नान के साथ ये बड़े मज़े की लगती है। और अगर आप चाहें तो इसे गार्लिक तंदूरी नान के साथ खाएं, जिसका वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को हमने मिलाया है। हम इसमें एक टीस्पून भरकर सफ़ेद मिर्चों का पाउडर डालेंगे, जिसे हम दखनी मिर्च भी कहते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ब्लैक पेपर पाउडर डालें, लेकिन थोड़ा कम डालें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसका जो कलर है वो डार्क हो जाए। साथ में हम 4 से 5 हरी मिर्चियाँ भी डाल देंगे। केवड़ा वाटर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ये बिल्कुल थोड़ा डालना है, ये 1/4 टीस्पून डाला है हमने, बस खुशबू के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम इसका कलर चाहते हैं अच्छा सा। हम इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसमें ग्रेवी ज़्यादा नहीं होती, ये काफ़ी थिक होता है। जैसे हम हमेशा कहते हैं, ग्रेवी आपके ऊपर डिपेंड होती है। ये पॉइंट पे अगर आपको लगे कि आपको इससे पतली ग्रेवी चाहिए, तो आप थोड़ा सा पानी डाल दें इसमें और फिर इसे अच्छी तरह से पका लें 5 से 6 मिनट ढककर। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे ज़्यादा गाढ़ी ग्रेवी चाहिए, तो इसे थोड़ा पका लें, पानी ना ऐड करें, तो ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है किस तरह आप पसंद करते हैं। वैसे हमें ये ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट लगती है, बस इसी तरह की ग्रेवी होती है शाही मटन कोरमे में। तमाम चीज़ें डालने के बाद हमें इसे पकाना है बस 3 से 4 मिनट लो फ्लेम पर, ताकि सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह पक जाएं। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर, माशाल्लाह खुशबू के क्या कहने, और बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। हम आपको बताएंगे इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह हुई है। थोड़ी देर रखने से ये और गाढ़ा हो जाएगा बस। तो ये पॉइंट पे फ्लेम को बंद कर देना है, थोड़ा हरा धनिया डाल देना है, और इसे सर्व करते समय हम अदरक के जूलियंस डालकर सर्व करेंगे, जो बहुत अच्छे लगते हैं। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और हाँ, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।